आम के आम गुठलियों के दाम, ये वाली कहावत तो दोस्तों आपने सुनी ही होगी। क्या आप भी खरबूजे के इन बीजों को फेंक देते हैं दोस्तों? इस महंगाई के जमाने में कुछ भी वेस्ट क्यों करना। तो दोस्तों इन खरबूजों के बीजों से आज हम बनाते हैं कुछ नया सा। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लेना। गर्मियों के इस सीजन में हम सभी के घर में खरबूजे तो आते ही है, लेकिन हम सभी खरबूजा तो खा लेते हैं लेकिन इसके बीजों को ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों ये खरबूजे के बीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आज इन्हीं खरबूजे के बीजों का ऐसा इस्तेमाल करना बताऊंगी दोस्तों कि आज के बाद आप खरबूजे के बीजों को कभी फेंकेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों खरबूजे को हमें काट लेना है, और उसके बाद चम्मच की हेल्प से इन बीजों को हम अलग निकाल लेंगे। इन बीजों को हमें एक छलनी में लेना है। आपके पास आटा छलनी हो या फिर इस तरह की छलनी हो तो उसमें आप बीजों को निकाल लीजिए। सारे ही बीजों को निकालने के बाद हम इन्हें धो लेंगे जिससे ये जल्दी से साफ हो जाएंगे, और नीचे जो इनका ये जूस निकलेगा इसका भी हम रेसिपी में ही इस्तेमाल करेंगे, इसे भी हम फेंकेंगे नहीं। क्योंकि खरबूजा विटामिन सी से भरपूर होता है, फाइबर से भरपूर होता है, जो गर्मियों में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब खरबूजे के बीजों को हमें ले लेना है एक मिक्सी के जार में, और इसमें एक से दो घूंट इतना पानी डाल के एकदम इन्हें महीन पीस लेना है, जिससे ये देखिए इनका दूध निकल आएगा। क्या आपने कभी सोचा था दोस्तों कि इस तरह से खरबूजे के बीजों को पीसने से इनका दूध निकलता है? तो है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक। किस किस को यह ट्रिक पसंद आई दोस्तों प्लीज़ कमेंट में लिख कर जरूर से बताना। और एक बार और आपको याद दिला दूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये लीजिए मैंने सारे ही खरबूजे के बीजों का दूध निकाल लिया है। अब इस दूध का इस्तेमाल आप सब्जी में ग्रेवी के तौर पर करिए या फिर आप आइसक्रीम में डालिए, सभी में बहुत ही बढ़िया लगता है ये। तो अब इसको रख देंगे हम साइड में और आगे की तैयारी कर देते हैं। अब जो ये खरबूजा बचा हुआ है इसके गुदे को हमें चम्मच की हेल्प से निकाल लेना है। इसकी भी बहुत ही शानदार रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना। और ये लीजिए मैंने सारे ही गुदे को निकाल लिया है। तो अब हम फिर से लेंगे एक बड़ा सा मिक्सी का जार, और उसमें डाल देना है सारे पल्प को, और इसे एकदम महीन पीस लेना है, यानी इसका जूस हमें बना लेना है। इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। और ये लीजिए दोस्तों हमने खरबूजे का जूस बना लिया है। तो अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा पैन, और पैन में हमें डालना है इस जूस को। गर्मियों में खरबूजा खाना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि यह हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। अब इस खरबूजे के जूस में मिठास के अनुसार हमें डालना है चीनी, और अब हम रख देंगे इस पैन को गैस के ऊपर और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए इसे हमें 1 से 2 मिनट तक पकाना है। जब तक इसमें उबाल आ रहा है तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो हमने जो बीजों का दूध निकाल के रखा था उसमें डालना है हमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैं आइसक्रीम प्रीमिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, यदि आपके पास ये नहीं है तो आप 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसमें मिला दीजिए। दोनों ही चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये लीजिए इधर हमारे जूस में भी अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हमने जो कस्टर्ड मिला कर के दूध तैयार किया है उसे धीरे धीरे इसमें मिक्स कर लेना है, और फिर लगातार चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। और ये लीजिए इसे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो इस स्टेज पर मैं कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर इसको डालने से ना हमारी आइसक्रीम में बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। और ये देखिए अभी इसमें से छींटे उड़ रहे हैं, जैसे जैसे पक जाएगा और गाढ़ा होने लगेगा तो इसमें से छींटे उड़ना बंद हो जाएगा, तब आप समझ लीजिए कि यह अच्छी तरह से पक गया है।
और ये लीजिए दोस्तों, 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमारा रस अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है और इसमें से छींटे उड़ना भी बंद हो गए, यानी ये अच्छी तरह से पक गया है। तो इस स्टेज पर आप एक पाउच इतना डाल दीजिए मिल्क पाउडर और साथ में ही 2 बड़ा चम्मच डाल देंगे घर की मलाई। यदि आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब आप इसमें बीट की हुई व्हिप क्रीम या फिर अमूल की फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से आप मिल्क पाउडर और थोड़ी सी मलाई को इसी टाइम पर इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। बहुत ही शानदार आपकी आइसक्रीम बनके तैयार होगी और कोई यह नहीं बता पाएगा कि इसे आपने खरबूजे से बनाया है। दोस्तों एक बार और याद दिला देती हूँ कि आज की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये लीजिए दोस्तों, खरबूजे का पल्प अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसे गैस से उतार करके ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसे हमें आधा आधा करना है क्योंकि हम इससे आज 2 रेसिपी बनाने वाले हैं। तो जब तक खरबूजे का पल्प ठंडा हो रहा है मैंने दूसरी कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पर और 2 बड़ा चम्मच साबुदाने को मैंने भिगो करके रखा था उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया और फ्लेम को ऑन कर दिया है। और अब हमें इसमें डालना होगा 2 ग्लास दूध। साबुदाना को पहले भिगोने का एक फायदा यह होगा दोस्तों कि हमें इसे ज़्यादा देर तक दूध में उबालना नहीं पड़ेगा और फटाफट से ही साबुदाना पक जाएगा। और ये लीजिए 1 से 2 मिनट के अंदर ही दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। तो इस स्टेज पर दोस्तों स्वाद के अनुसार हमें डालना है चीनी और फिर लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक दूध को हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। यदि आप इसमें फ्लेवर के लिए इलायची डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। 7 से 8 मिनट तक मैंने दूध को अच्छी तरह से उबाल लिया है। अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और दूध को होने देंगे एकदम ठंडा। यदि आप जल्दी से दूध को ठंडा करना चाहते हैं तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, दूध अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और इधर दूसरी तरफ हमारा खरबूजे का पल्प भी अच्छे से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे आधा पल्प, आधे मिश्रण को हमें इसके अंदर डाल देना है और फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे जिससे इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा और फिर हम इसकी आइसक्रीम बनाएंगे तो हमारी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। और ये लीजिए दोस्तों, एकदम स्मूथ से हमारी आइसक्रीम का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो अब आप इसे किसी भी कांच के बर्तन या फिर प्लास्टिक के डब्बे में भर के फ्रीजर में रख दीजिए, आपकी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। अब दूसरी तरफ हमारा दूध भी अच्छे से ठंडा हो गया है और हमने जो आधा मिश्रण बचा के रखा था उसे हमें दूध में डाल देना है। एक ही पेस्ट से दोस्तों हमारी 2-2 रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों आज की मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। इस सारे ही पेस्ट को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेना है। तैयार शेक को दोस्तों आप ग्लास में सर्व करिए, कटोरियों में सर्व करिए, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सब्जा सीड को पानी में भिगो करके रख दिया था जिससे ये फूल करके डबल हो गए हैं। सब्जा सीड शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, हमें लू से बचाते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें इसे ज़रूर से खाना चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी मस्क मेलन के कटे हुए टुकड़े और साथ में ही डाल देंगे ठंडी ठंडी आइस और फिर हमने जो शेक बना के तैयार किया है उसे करेंगे सर्व। तो कैसी लगी दोस्तों आज की मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।